तो फिलहाल मुझे भी एक दो प्रोडक्ट लेना है, मैं भी ले लेता हूँ और आपसे थोड़े देर में बात करूँगा। मैंने पूछा था उनसे, वाले सर से, दोनों ने बोला कि तो अभी हम है दादा के घर पे, मेरे गौरदा है जो फिलहाल शादी में गए हुए हैं, तो फिलहाल आज का इस पूरे घर का संभालने की जिम्मेदारी जो है वो मेरा है। तो फिलहाल अभी तो मैं पी रहा हूँ चाय, ये आप देख सकते हो, चाय और बिस्किट भी मैं पी रहा हूँ। तो फटाफट मैं अपना चाय पी लेता हूँ और देखता हूँ कि 5 घंटे जो है आज हम कैसे टाइम पास करेंगे जब आप होम अलोन रहते हो तब। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइज, अभी हम आ गए हैं, मतलब अभी हम पी रहे हैं चाय, फिलहाल तो बज रहे हैं शाम के 6:20 और आज अप्रॉक्सीमेटली हमें 11 से 12 बजे तक जो है टीपी करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि आज हम क्या कर सकते हैं जब आप रहोगे होम अलोन, और क्या क्या हम कर सकते हैं वो देखेंगे। तो फिलहाल फटाफट मैं अपना चाय पी लेता हूँ, चाय पीने के बाद आपसे बहुत सारे बातें मैं करता हूँ। ट्रस्ट मी, ठंड में ना, ठंड हो या बारिश हो, चाय पीने का जो है ना मजा ही कुछ अलग होता है। और चाय जो है पी के हो गया तो थोड़ा बाहर चलते हैं, देखते हैं कि बाहर का माहौल कैसा है। फिलहाल तो मैंने अभी तक जैकेट वैकेट कुछ पहना नहीं है, ठंड कैसा है बाहर से एक बार देख लेते हैं। तो चलो जरा बाहर चलते हैं। तो गाइस, यू कैन सी ठंड जो है गिर रहा है, आप देख सकते हो जो फॉग जो है वो गिर रहा है, जिसे ड्यू कहते हैं, हीम जो है। और स्कूटी भी जो है अपना यहाँ पर पार्क है। तो फिलहाल चलो यार, स्टफ जो है अपना कर लेते हैं। और ये जो आप देख रहे हो, अंधेरे में इतना दिखाई नहीं देगा, ये है जो गार्डन जो आप देख सकते हो, ये पूरा गार्डन एरिया है। और एक टाइम था जहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर जो है 31 का जो है हम लोगों ने एक बार प्रोग्राम हमारा किया था। तो गाइस, अब डिस्कस करते हैं मॉल में आखिर में क्या हुआ। तो जैसे ही मैं मॉल में एंट्री करता हूँ, एंट्री करने के बाद जैसे ही मैं चीज़ों को देख रहा था, तभी एक बंदा आता है मेरे पास और आके मुझे पूछता है कि सर, क्या आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने वाले हो? तो मैंने उसे अपफ्रंट ही कह दिया कि नहीं, मैं कैश पेमेंट करूँगा, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट मैं नहीं करने वाला। तो उसके बाद ही मैंने उसे पूछा कि क्या मैं यहाँ पर शूट कर सकता हूँ? तो उसने मुझे कहा कि हाँ, आप शूट कर सकते हो। तो मैं फटाक से जो है अपना कैमरा निकाला एंड स्टार्ट शूटिंग। जैसे मैं शूट करता हूँ, 2-3 शॉट लिया मैंने अपना, कुछ उसमें मॉल के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन जो है मैंने दिया। और जैसे ही मैं इंट्रोडक्शन देने के बाद अचानक मैं देखता हूँ कि वहाँ से जो है गार्ड, जो सिक्योरिटी होते हैं मॉल के, वो आ गए। तो फिलहाल अभी मैं खड़ा हूँ मोर में, जो कल्याणी में है। और इन केस अगर आपको पता नहीं है कि कल्याणी में भी जो है डिपार्टमेंटल स्टोर है, तो मोर है, ITI मोड में है। अगर आपको लगता है तो आप आके एक बार चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा शोरूम है। तो फिलहाल मुझे भी एक दो प्रोडक्ट लेना है, मैं भी ले लेता हूँ और आपसे थोड़े देर में बात करूँगा। मैंने पूछा था उनसे, वाले सर से, तो उन्होंने बोला कि आने के बाद मुझे पूछने लगा कि आप शूटिंग क्यों कर रहे हो, किसने परमिशन दिया आपको ऐसे वैसे। तो मैंने उसे कह दिया कि मैंने परमिशन लिया था, मैंने पूछा, आपका ही एक एग्जीक्यूटिव आया था। तो वो मुझे कहने लगा कि नहीं, वो हमारा एग्जीक्यूटिव नहीं है, यहाँ पर जो है शूटिंग अलाउ नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, क्या बोल सकते। तो मैंने अपना जो है कैमरा मैंने ऑफ कर दिया, करके अपना शॉपिंग वॉपिंग किया। करने के बाद मैं काउंटर में गया। मैं काउंटर में जाने के बाद जो सेल्स असिस्टेंट होते हैं उनसे जाके मैंने पूछा कि आप लोग शूट करने क्यों नहीं देते हो? वैसे मुंबई में इतने काफ़ी सारे मॉल्स हैं जहाँ पर आप शूट कर सकते हो, कोई उन्हें प्रॉब्लम नहीं होता। तो वो मुझे कहने लगा कि नहीं सर, मुझे भी पता है कि वो अलाउ करते हैं शूट करने, पर हम जो है शूट करने देते नहीं है। तो मैंने उसे ऐसे ही कैजुअली पूछा कि आप लोग क्यों नहीं शूट करने देते हो? तो मुझे कहता कि कंपनी का उनका रूल है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने बोला आप लोग का रूल है मैं मानता हूँ, बट अल्टीमेटली अगर हम जैसे व्लॉगर जब शूट करते हैं यहाँ पर, तो हम डेफिनेटली जहाँ पर हम खड़े हैं उस चीज़ के बारे में या उस जगह के बारे में हम बताते हैं लोगों को, ताकि इन फ्यूचर जो भी है, जो भी हमारे वीडियोज़ देखते हैं और उस एरिया में अगर रहते होंगे, तो वो आके वहाँ से खरीदारी वगैरह कर सकते हैं, वो उस प्लेस को विजिट कर सकते हैं। तो मैंने उनसे यही कहा। तो वो मुझे कहता है कि हाँ सर, मैं समझ सकता हूँ, वैसे वैसे बहुत मुझे बोला। तो मैंने बोला ठीक है, चलो मैं और कुछ आप लोगों को बोलूँगा नहीं,
तो ये बोल के मैं वहाँ से बाहर निकला, जो अपना शॉट था मैंने कंप्लीट किया करके मैं वहाँ से आ गया। तो एकदम जो है अजीब वो गरीब इंसिडेंट हो गया। इनका जो कहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये शॉपिंग मॉल का यहाँ पर कि आप शूट नहीं कर सकते, वेयर एज इन मुंबई अपने आप जाओगे इतने बड़े बड़े मॉल्स वगैरह है जहाँ पर आप फ्रीली जाके शूट कर सकते हो। अल्टीमेटली ऐसा होता है कि हम जो है यहाँ पर जो है अगर ब्लॉग करते हैं तो अल्टीमेटली फ्री में एडवर्टाइजमेंट हम करते हैं, बट एट द सेम डे इन्होंने करने नहीं दिया। तो आई वोंट रिकमेंड दिस मॉल फॉर एनी अदर यू नो काइंड ऑफ ब्लॉगर। अगर हम ब्लॉगिंग करने आते हैं तो ये मॉल में मत आओ, क्योंकि अब ब्लॉगिंग करने मिलेगा नहीं। एनी हाउ मैंने अपना सामान जो है मैंने खरीद लिया है, चलो फिलहाल निकलते हैं अभी और जाते हैं। तो मेरा एक यही एक क्वेश्चन है ना कि अगर हम ऐसे प्लेस अगर विजिट करते हैं तो अल्टीमेटली जब हम उन प्लेस के बारे में बताते हैं तो हम तो एक फ्री का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं उनके लिए, तो उनसे भी उनको प्रॉब्लम हो जाता है। तो मुझे एक उन सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी इस किस्म का स्टोर्स या जो भी प्लेसेस है जहां पर इस किस्म का चीज या कुछ देखने लायक चीज अगर होता है, अगर हम उसे कैप्चर करके लोगों को दिखाते तो वो चीज मुझे नहीं लगता कि हमें रोकना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो है हम आपका फ्री में एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि आप लोगों का भी काम हो और हमारा भी काम हो, ताकि हमारे जो व्यूअर्स है वो भी नया चीज कुछ देख सके और उनको अगर वहां पर जाना है तो जाके वहां पर विजिट कर सकते हैं। तो मेरा यही सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप व्लॉग करते वक्त किसी को भी ऐसे रोकिए मत। हाँ, रिस्ट्रिक्शन जगह है जहां पर आप वहां पर बेशक रोकिए, पर ऐसे प्लेसेस पे मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को रोकना चाहिए। ऑनेस्टली जब आप घर में अकेले होते हो ना, तो इतने बड़े घर में ना घर काटने को दौड़ता है। आप देख सकते हो घर जो है कितना बड़ा है और काफी ज्यादा बोर हो रहा हूं। तो फिलहाल मैं भी अपना जो भी काम है वो पेंडिंग वर्क जो है मैं कंप्लीट कर रहा हूं और सोच रहा हूं कि क्या कर सकूं, और इतना मैं बोर रहा हूं तो फिलहाल भूख भी लग रहा है और अब बज रहे हैं शाम के, आप देख सकते हो अप्रॉक्सीमेटली 7:40 हो रहा है। तो चलो देखते हैं कि खाने के लिए क्या रखा है। और यहाँ पर जो है यहाँ पर दो रसगुल्ले रखे हुए हैं और यहाँ पर है ये आई थिंक पापड़ी है। तो फिलहाल थोड़ा बहुत खा लेते हैं फिर बात करते हैं। तो गाइस बेसिकली जो है ना मैं स्वीट्स वगैरह खाता नहीं हूँ, तो ये आप देख सकते हो ये है रसगुल्ला और इसे वो गुड़ के रसगुल्ले कहते हैं। ये वाइट कलर का नहीं है, ये थोड़ा सा चॉकलेटी टेक्सचर है। तो फिलहाल मैं इसे टेस्ट करके देखता हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा भूख लग रहा है ना, तो सोच रहा हूँ कि आज डाइट जो है थोड़ा सा भूल जाते हैं और ये खा लेते हैं। आफ्टर लॉन्ग टाइम जो है रसगुल्ला खा रहा हूँ। गाइस ट्रस्ट मी, भूख इतना जोरदार लगा था ना, तो हम लोगों ने रसगुल्ला जो है मैंने एकदम दोनों ही ढकेल लिया, मस्त खाया रसगुल्ला और रसगुल्ला का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा था। टॉप ऑफ द जो पापड़ी था, पापड़ी का टेस्ट तो इतना जबरदस्त था ना, और मुझे इतना भूख लगा था मैं तो ढूंढ रहा था कि मुझे और किधर पापड़ी मिलता है क्या। तो अनफॉर्चुनेटली जो है पापड़ी जो है मुझे मिला नहीं और कुछ नहीं कर सकते हैं, और कैसा भी जो है मैंने वो खा लिया। और फिलहाल अभी बज रहे हैं आप देख सकते हो 8:00 जो है 8 मिनट हो रहे हैं, अब पता नहीं कि वापस से भूख कब लगेगा। तो जो भी था फिलहाल हम लोगों ने खा लिया। बेसिकली आज मैं जो यहाँ पर आया हूँ, ये जो है बौड़दा का घर है और इसके पहले का जो व्लॉग है आप लोगों ने एक देखा होगा जहाँ पर मैंने मौसी जी से मैंने जो बात किया था, ये उन्हीं का घर है। वो जो गए हैं सब शादी में, तो यहाँ पर जो है बेसिकली ऐसा होता है कि घर जो है खुला छोड़ के नहीं जा सकते, तो इसलिए एज ए केयर टेकर के हिसाब से मैं फिलहाल 5-7 घंटे के लिए आया हूँ। देखते हैं कि कब तक वो रिटर्न आएंगे, फिर मैं अपने घर जाऊंगा और देखता हूं तब तक मैं क्या टाइम पास कर सकूं। अभी मैं आ गया हूं घर और आप देख सकते हो कि रात के 10:30 बज रहे हैं। दादा जो है उनको आने में और थोड़ा सा देर लगेगा, मौसी जी जो है वो आ गई थी,
तो इसलिए मैंने जो है दादा से बात करके, दादा ने बोला ठीक है आप अभी घर जा सकते हो, क्योंकि मैं जहाँ पर रहता हूँ थोड़ा सा रात के टाइम में प्रॉब्लम हो जाता है। तो फिलहाल मैं घर पे आ गया। मौसी जी जो है वो, उनका जो एक भाई है वो भी आया हुआ है घर में, जो है फैमिली पूरा जो है आया हुआ है। मैं अपना ड्यूटी जो है करके आ गया। फिलहाल मैं फ्रेश हो लेता हूँ, खाना वाना खा लेता हूँ, बाद में आपसे बात करता हूँ। तो गाइस रात के वक्त ऐसा हो गया था, जब मैं स्कूटी लेके वहाँ से निकला तो अचानक में ही जो है मेरा रिजर्व लग गया था, और स्कूटी का जो है रिजर्व लगने की वजह से ना ऐसे सुनसान जगह में वो स्कूटी अटक गया था। तो थोड़ा सा टेंस हो गया था, फिर भी हम आ गए। और दादा के घर पे जो है उनके भी घर वाले जो आ गए हैं, उनका भी जो प्रोग्राम था काफ़ी अच्छी तरीके से जो है निपट गया, हमने भी हमारा काम कर दिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का जो बटन है ज़रूर दबा दीजिए, प्लस इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नए हो तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है नीचे, उसे दबा दो। उसके पास ही में एक बेल आइकन है, उसे भी बजा दो, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो ऑन दैट नोट, इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। एज ऑलवेज बी हैप्पी एंड टेक केयर। टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस इज ट्रेंड सेटर रणबीर।